अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो के माध्यम से बताएंगे अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो तो आपको जितना ज़रूरी है सऊदी अरब में रहना, काम करना उतना ही ज़रूरी है इस वीडियो को देखना। दोस्तों इसका मतलब यही है कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हो तो आपको आपका कपिल कंपनी परेशान कर सकता है, कर सकती है। इसके अलावा आपको हो सकता है कि ज़्यादा टाइम तक सैलरी ना मिले, या आपको हो सकता है कि तनाजल ना मिले, या हो सकता है कि आपको और भी कोई समस्या हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या है। अगर आपको समस्या होती है, सबसे पहले आपको मकतब अमल में जाना चाहिए, एम्बेसी में जाना चाहिए या जवाजात में जाना चाहिए, इसके बारे में आपको डिटेल जानना ज़रूरी है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट जानकारी बताएंगे जिसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए जितने सऊदी अरब में अजनबी रहते हैं, चाहे वो किसी भी देश से हो। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका इस तरह के देश से हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए ताकि किसी को किसी भी तरह की समस्या ना हो। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आगे आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो तो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है। दोस्तों सबसे पहले आपको यह बात ध्यान रखना है कि आपको सऊदी अरब में कितना टाइम हुआ है, मतलब आपको 2-4 10 दिन हुए हैं या 2-4 10 महीने हुए हैं या 1-2 साल हुआ है, 3 साल हुआ या 10 साल हुआ है, या आपको सऊदी अरब में आखिरी टाइम है, मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हो पूरा होने वाला है। ये डिपेंड होता है कि आप कहां पर किस टाइम पर कंप्लेन कर रहे हो, यानी आपके इकामा के ऊपर लगभग सब कुछ निर्भर होता है। अगर आपका इकामा आखिरी स्टेज पर है, यानी फाइनल होने वाला है आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसी हालत में आपकी सुनवाई सभी जगहों में होगी। अगर आप एक्शन लेंगे तो तुरंत आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगर आपको फ़ायदा नहीं मिलता है, अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, जैसे कि आपको कपिल मारता पीटता है या आप बीमार हैं या आपको इमरजेंसी छुट्टी चाहिए, इस तरह की अगर समस्या है तो ऐसी हालत में आपको तुरंत एक बार हमें कमेंट करना है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि आपकी समस्या कौन सी है और आपको कहाँ जाना चाहिए। अगर आप समस्या लेकर सही जगह पर जाओगे तो आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों दुनिया में सभी लोग यही गलती करते हैं कि अगर वो सही जगह पर पहुंच जाएंगे तो वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे, उनका ग्रोथ होगा और उनको तुरंत फ़ायदा भी मिलेगा। इसका मतलब यही है कि आपको सही जगह पर जाना बेहद ज़रूरी है। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।